नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम समाचार। आज हमारे साथ आन्या लिमिटेड के एमडी यशपाल सिंह यादव जुड़ेंगे, जिनका अभी हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद से एक करार हुआ है जैविक पोटाश को लेकर। हमारे साथ यशपाल सिंह यादव जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, आपका टाइम समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पोटाश है, जैविक पोटाश आखिर है क्या और आपका क्या करार हुआ है? जैविक पोटाश यानी कि ऑर्गेनिक पोटाश होता है ये, और ये इसको हम लोग 100% ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाते हैं। शुगर इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है, जो मड होती है, उससे ये जैविक पोटाश बनाया जाता है। और जैविक पोटाश, क्योंकि अभी इंडिया में जो पोटाश की रिक्वायरमेंट है वो सारी इम्पोर्ट से पूरी हो की जाती है, बाहर के देशों से इम्पोर्ट किया जाता है। और MOP जिसको बोलते हैं, मेरिट्स ऑफ पोटाश, तो मेरिट्स ऑफ पोटाश फार्मर्स को कई बारी मिल पाता है, कई बारी नहीं मिल पाता, क्योंकि डॉलर और रुपी के प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो कई बार उसका रेट बहुत हाई हो जाते हैं। और ये प्रोडक्ट 100% इम्पोर्ट किया जाता है। तो अब इंडिया में ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाने लगा है, और जिसका रेशो 1:2, 1:3 का है, कि अगर MOP का हम एक बैग यूज कर रहे हैं तो इसका 2 या 3 बैग यूज करना पड़ेगा। इसमें 20% पोटाश होता है और ये लोकली मैन्युफैक्चर आसानी से किया जा सकता है। तो इंडिया में, साउथ में ये बहुत पॉपुलर है, अब नॉर्थ में भी इसकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है। तो आपका ये जो पतंजलि से आप आचार्य बालकृष्ण जी से मुलाकात हुई, आपकी चर्चा हुई, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई होगी कृषि के क्षेत्र में, तो आखिर आपका किस लेवल का करार हुआ है, क्या करार हुआ, आप उनको उपलब्ध कराएंगे, इससे पहले ये कहाँ से आता था? पतंजलि से जी, पतंजलि से जो हम लोग की मीटिंग हुई है, तो पतंजलि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में पिछले 4-5 साल से काम कर रहा है, और उन लोगों ने 13-14 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स निकाले भी हैं मार्केट में, जिसमें जैविक पोटाश एक है। तो पहला करार तो हमारा ये हुआ है कि अगले हफ्ते हमारा MOU साइन होना है कि पूरे UP में जो पतंजलि के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो आन्या के थ्रू आएंगे, और आन्या के थ्रू, आन्या मतलब मेन डीलर होगा पूरे उत्तर प्रदेश का, और आन्या सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उत्तर प्रदेश में। दूसरा, जो प्रोडक्ट हम लोग, कुछ प्रोडक्ट वो हमारे बनाएंगे और कुछ हम उनके बनाएंगे, तो हमारा बाटर सिस्टम रहेगा, जैसे कि प्रोम और बाकी ग्रोथ प्रमोटर, ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड पतंजलि हमारे लिए मैन्युफैक्चर करेगा और उसको मार्केट आन्या करेगी। और उनके कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे कि उनके पास पोटाश की कमी है या बाकी और प्रोडक्ट्स की कमी है, तो वो प्रोडक्ट हम बनाएंगे और हम उनको देंगे और पतंजलि मार्केट करेगा। अच्छा, तो पहले इससे क्या जो बाहर से आता था कि अपने इंडिया में नहीं होता था? हाँ, पोटाश शुरू से ही बाहर से इम्पोर्ट होता है, लेकिन जब से डॉलर की प्राइसें 70 के पार गई हैं, तो पोटाश इम्पोर्ट करने में पोटाश का जो एक बैग है वो लगभग 800-900 रुपए से ऊपर का हो रहा है, जो कि किसान की जो जेब पर उसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो पोटाश बनाया है, ये पोटाश लोकली बना है एक, तो इस पर किसी भी प्रकार हम लोग बिल्कुल इसमें जो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर एक प्रयास है कि यह लोकली मेड है और शुगर इंडस्ट्री के वेस्ट से बना हुआ है, प्लस ये 100% ऑर्गेनिक है और 100% डिसॉल्व होता है सॉइल में। तो इस प्रोडक्ट की वजह से पोटाश पे जो हम लोग इम्पोर्ट पे निर्भर करते थे पोटाश की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, अब इंडिया में वो नहीं करना पड़ेगा, अब ये प्रोडक्ट से पोटाश की पूर्ति की जा सकती है मिट्टी में। क्या इससे स्वदेशी बाजार को भी बढ़ावा मिलेगा जो आप पोटाश उनको देंगे? क्यों, बिल्कुल बिल्कुल स्वदेशी है आपका ये पोटाश, इंडिया ही में ही बन रहा है, तो क्या इससे स्वदेशी बाजार में बढ़ावे की संभावना है? जी बिल्कुल, अभी हम लोगों ने कई जगह बात भी की है और जो चल रहा है कि पहले जो MOP आता था, जो इम्पोर्ट होके आता था, उस पर गवर्नमेंट की सब्सिडी होती थी। तो इस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस जो अपने यहाँ बन रहा है, इस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस अच्छी है फार्मर्स के बीच में, और किसान इसको यूज़ कर रहे हैं और उसको रिजल्ट भी आ रहा है। तो अगला कदम यही होगा कि सारी कंपनियां मिलकर सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रोडक्ट पे भी सब्सिडी स्टार्ट कर दी जाए, और इस प्रोडक्ट पर सब्सिडी देने से ज़्यादा फायदा है, क्योंकि लोग फिर
इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। और अभी हमारी ज़रूरत भी है कि हम कम से कम इंपोर्ट करें आज के हालात में और अपने यहाँ चीज़ें ज़्यादा बनाएं। तो क्या यशपाल जी, आने वाले समय में ऐसा कुछ बुंदेलखंड के लिए भी आपने सोचा है कि बुंदेलखंड में जो पोटाश है और अन्य चीज़ें हैं, बुंदेलखंड से भी सप्लाई हो या बुंदेलखंड के लिए कुछ कारगर हो? जी बिल्कुल, अब हम लोग अभी तो अपने यहाँ पे भी इस प्रोडक्ट की सप्लाई इस बार की है हमने और काफ़ी अच्छी मात्रा में की है। बुंदेलखंड में कंपनी द्वारा फ्री सॉइल टेस्टिंग भी की जा रही है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए पतंजलि की एक पोर्टेबल किट आती है, सॉइल टेस्टिंग किट, जो कि पतंजलि के बिहाफ पे पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लोगों तक वो भी पहुंचाएंगे ताकि लोगों को पहले ये पता चले कि किन पोषक तत्वों की ज़मीन में कमी है और जिन तत्वों की कमी है उनकी पूर्ति सही तरीके से सही मात्रा में की जाए। तो आने वाले समय में हम लोग इसमें बुंदेलखंड में ज़्यादातर प्रयास कर रहे हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल टेस्टिंग कराए और मिट्टी में जिन चीज़ों की कमी है सिर्फ वही न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करें ना। अभी किसान अंदाजे से और एक जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में उसको देख के करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं, तो किसान का भी पैसा बर्बाद होता है, फसल बर्बाद होती है और रिजल्ट भी नहीं आता। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा समझदार बने और इन प्रोडक्टों का यूज़ करें। यशपाल जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, आप कृषि के क्षेत्र से लगातार जुड़े हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो जो ऑर्गेनिक खेती है इससे कितना खेती को भी फायदा मिलता है, ज़मीन को भी फायदा मिलता है जो अन्य चीज़ों से नहीं मिल पाता, जो लोग किसान इस्तेमाल करते हैं? जी, ऑर्गेनिक खेती के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, 1-2 साल आदमी को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जब आप केमिकल से खेती कर रहे हैं और फिर एकदम से ऑर्गेनिक पे आएंगे तो मिट्टी को अपना जो सिस्टम है चेंज करने में समय लगता है। तो इसी की ट्रेनिंग पतंजलि ने हमारे यहाँ बबीना में बाजना गांव के पास ज़मीन ली हुई है 16 से ऊपर, और वो ज़मीन उनको इसीलिए अलॉट की गई है कि उसमें वो ऑर्गेनिक खेती करने की ट्रेनिंग देंगे किसानों को, वो एक ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। इसी तरीके से महोबा में और 2-4 जगह और बुंदेलखंड में पतंजलि अपने ट्रेनिंग सेंटर्स बना रहा है, तो मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट भी की कि भाई आप झांसी में इसको जल्दी शुरू कीजिए, इससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी मिल पाएगी और लोग इसका सही तरीके से और सही मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर पाएंगे। यशपाल जी, पिछले कुछ महीने पहले आप कुछ लोग आए थे, जापान से आए थे, कि जो ज़मीन कैसी है यहाँ की, उसके लिए उस पर आपने काम किया था, तो वो किस लेवल का काम था, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को अगर वो हो जाता है तो यहाँ पे? वो रिसर्च था बायो फर्टिलाइजर का, जो लाइव कल्चर होते हैं जो रशिया में लोग यूज़ करते हैं, वो क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं, आलू की खेती में यूज़ किए जाते हैं, धान में यूज़ किए जाते हैं, पैडी में, वीट में अलग यूज़ किया जाता है, तो उन लोगों ने अपने कॉम्बिनेशन इंडिया की सॉइल पर ट्राई किए थे जिसके रिजल्ट भी कई कई जगह बहुत अच्छे आए थे, कई कई जगह सामान्य थे। तो वो हम लोगों ने 3-4 जिलों में यूपी के करवाया था, एक पंजाब में करवाया था, पटियाला में, इस तरीके से अलग अलग जगह कराया था और ज़्यादातर जगह उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। तो बायो फर्टिलाइजर एक स्टेप है जिससे कि केमिकल से जब आप ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो आप बायो फर्टिलाइजर इसमें बड़ा कारगर साबित होता है। तो बायो फर्टिलाइजर का उपयोग अभी अपने यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता, किसानों को जानकारी कम है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसको मिक्स कैसे किया जाता है ये भी नहीं पता। तो ये सब ट्रेनिंग देने के लिए वो लोग वहाँ से आए थे, हफ्ते भर हमने एक डेलीगेशन बुलाया था जो यहाँ पर रुका था, 2-3 लोगों ने फॉर्म दिए थे। अब बीच में इस क्रॉप में हम उस प्रोडक्ट अच्छे से करने वाले थे लेकिन ये लॉकडाउन हो जाने की वजह से बाहर से आना जाना लोगों का बंद हो गया, तो उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अगली क्रॉप में रबी में हम लोग फिर से वो शुरू करेंगे। पहली बारी में हमने 10 फार्म लिए थे, इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 150-200 फार्म्स पे वो ट्रायल किया जाए। जब 150-200 फार्म्स पे ट्रायल हो जाएगा तो प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर उसको हम कमर्शली अवेलेबल कराएंगे लोगों को, उसके लिए यूज़ के लिए कंपनी से टाई अप करेंगे। जी यशपाल जी, जैसे किसानों को अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है जैविक खेती की, तो अगर किसानों को जैविक खेती की सरकार के द्वारा, आपके द्वारा और अन्य माध्यमों से
उनको जानकारी दी जाए, तो कितना फायदा हो सकता है अगर पूरी तरह से जैविक खेती पर किसान निर्भर हो जाए? किसान की खेती को फायदा मिलेगा या पैदावार में फायदा मिलेगी इसमें? नहीं, पैदावार में फायदा मिलेगा। जैविक खेती हमेशा से अच्छी मानी गई है, क्योंकि आज के टाइम पे जो केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उससे जो हमारे जो फूड आइटम्स हैं या ग्रेन्स हैं, उनकी क्वालिटी भी गिर रही है। तो ये मतलब कंबाइंड एफर्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी आता है, सब लोग आते हैं। और भी जैसे यूपी गवर्नमेंट ने जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग देने वाले कंपनियों को वो लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। तो जैसे पतंजलि कर रहा है अभी 3-4 जिलों में, तो उन लोग उनकी पतंजलि की हेल्प स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। और कोई कंपनी, जैसे हम लोग भी अगर आगे प्लान करते हैं कि कुछ 100 फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाए और उनको जैविक खेती के बारे में सिखाया जाए, तो सरकार उसमें मदद करती है। लेकिन वो धीमे धीमे कंबाइंड एफर्ट्स होंगे, जब कंपनियां भी काम करेंगी, किसान भी उसको समझने की कोशिश करेगा, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, तभी इसमें बड़ा बदलाव आ सकता है। तो क्या यशपाल जी, ये माना जाए कि जो किसान केमिकल यूज करते हैं वो उर्वरक क्षमता को भी नष्ट करते हैं उनकी, किसानों की खेती की? नहीं, केमिकल इतने खराब नहीं है, लेकिन केमिकल का गलत उपयोग खराब है, ज्यादा उपयोग करना खराब है। क्योंकि जैसे आप नाइट्रोजन है, यूरिया है, अगर आप यूरिया फार्म डाल रहे हैं, अपने खेत पे डाल रहे हैं, तो यूरिया का एक लिमिटेड डोज ही आप डाल सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया डालने से एक तो वो एब्जॉर्व नहीं होता, दूसरा वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल में, उनको भी मार देता है। तो केमिकल का ज़्यादा यूज़ खतरनाक है, और ये केमिकल इनका ज़्यादा यूज़ बढ़ता जा रहा है। पहले किसी समय में 1 एकड़ में 1-1.5 बोरी डालते थे यूरिया के, आप 2 बोरी डालने लगे, आप 4-4 बोरी डालने लगे, तो धीमे धीमे उसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, जो कि घातक है। अच्छा, यानी कि किसानों की लालसा बढ़ती जा रही है ज़्यादा पैदावार के चक्कर में, वो अपनी खेती को भी नष्ट कर रहे हैं। जी यशपाल जी, आपका कोई ऐसा प्लान है जो बुंदेलखंड के किसानों के लिए, जहाँ झांसी आसपास के, बुंदेलखंड के आसपास के किसानों के लिए आपकी ओर से कुछ जागरूक करने का प्लान है कि किसान जागरूक हों और जो उनकी खेती खराब हो रही है, उनकी ज़मीन खराब हो रही है, उसके लिए काम किया जाए? हाँ, हम लोग इसमें हमारी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी हम लोग किसानों की फार्मर्स मीटिंग करते हैं। किसानों को हम लोगों ने इससे पहले 1-2 बार बुंदेलखंड में, चिरगांव में और झांसी के आसपास किया है किसानों के लिए काम, लेकिन बड़े स्केल पे अब इस बार हम लोग थोड़ा जो ये खरीफ का सीज़न था, इसमें हम लोगों ने प्लान किया था कि हम किसानों को सॉइल टेस्टिंग करके और सही रिपोर्ट, सॉइल हेल्थ कार्ड उनका बनाएं और उनको सही तरीका बताएं और ट्रेनिंग दें कि किस तरीके से उर्वरक का यूज़ करना है और किस तरह कितना आपको, मतलब क्या बैलेंस रखना है केमिकल और ऑर्गेनिक का। लेकिन फिलहाल हम लोग कोई गैदरिंग कर नहीं सकते इस बार, तो अगली बार से पतंजलि भी इसमें काम कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे उनके माध्यम से, क्रिप्को के माध्यम से और अपनी संस्था के माध्यम से कुछ ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाए इन लोगों को उर्वरक के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड और उर्वरक का सही उपयोग और सॉइल टेस्टिंग के लिए। तो आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे। जी यशपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम आशा करेंगे कि आपसे भी किसानों के बारे में लेकर चर्चा होती रहे। और ये थे हमारे साथ यशपाल सिंह यादव, आन्या लिमिटेड के MD, जो बता रहे थे कि हमें किस प्रकार से किसानों की जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे किसान यहाँ का खुशहाल हो। और किसी चर्चा को लेकर हम आगे जुड़ते रहेंगे, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।